स्वागतम स्वागतम, आज मैं आप लोग को लेके पहुंच गया हूं विरासत 2024 देहरादून में अंबेडकर स्टेडियम में लगा हुआ है। ये जो आप डेट देख रहे हैं वो असल में गायककारों के प्रोग्राम होते हैं डेली, किसी ना किसी गायककार का उनकी डेट शो कर रहे हैं कि किस डेट में किसका प्रोग्राम है। ये देखिए अभी मैं मेन रोड में हूँ, कौलागढ़ रोड है, ये अम्बेडकर स्टेडियम है यहाँ पे, और ये मैं अंदर इंट्री कर चुका हूँ। अब विरासत का जो प्रांगण है अम्बेडकर स्टेडियम ONGC का है, ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, प्रत्येक वर्ष इसमें लगता है दिवाली से पूर्व और दशहरे के बाद लग जाता है। काफ़ी भीड़ है। सबसे पहले देखिए ये फूड स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, ये हरियाणा का सामने नज़र आ रहा है, अन्ना डोसा, साउथ इंडियन, महाराष्ट्र फूड्स, पंजाबी ढाबा, इस तरह प्रत्येक राज्यों के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं खाने के, और लोग लुत्फ ले रहे हैं नए नए व्यंजनों का, अपने पसंदीदा व्यंजनों का, क्योंकि वैसे तो मिल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे भारतवर्ष के हर कोने कोने के स्टॉल मिलेंगे मैक्सिमम, जो बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ के जरूर। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम, संध्याकालीन सत्र है ये, सुबह से शुरू हो जाता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गायककार वगैरह इसी में अपना प्रोग्राम देते हैं, जो सांस्कृतिक गायक गजल आदि गाते हैं। तो अभी भी उनकी फुल्की चल रहे हैं अंदर प्रोग्राम, मैंने पता नहीं करा कि कौन है आज। काफ़ी अच्छा सुसज्जित प्रांगण, लोग खड़े हैं, अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं कई लोग, ड्राइवर। और ये मेरे को देखिए ड्राई फ्रूट की दुकान, इसमें ड्राई फ्रूट देखे मैंने समझ ही नहीं पाया कि कितनी वैरायटियां हैं इसके पास, और अलग अलग उसमें पहली बार देखे मैंने इतने कट्स में रखे हुए उसने, बहुत अच्छी है ड्राई फ्रूट्स की दुकान। अगर आप देहरादून क्षेत्र के आसपास हैं जरूर आए यहाँ विरासत में। और ये यहाँ का मेन गली, महिलाओं की पसंदीदा गली, युवतियों की पसंदीदा गली, ड्रेसेज, इसे ड्रेसेज गली कह सकते हैं हम लोग, स्ट्रीट ऑफ ड्रेसेज। महिलाएं आपको यहीं मिलेंगी, युवतियां यहीं पर ज्यादा मिलेंगी, सब अपने अपने कपड़े देख रही हैं। ये देखिए सूट्स वगैरह, काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं कपड़ों के, सबसे ज़्यादा कपड़ों के स्टॉल ही, मैं पूरा घूमा तो सारे ज़्यादा कपड़ों के स्टॉल हैं यहाँ पे, और भीड़ भी है कपड़े के स्टॉल में काफ़ी। और ये देखिए दुपट्टों की शॉप, एक ये देखिए मैडम लगी हैं एक सेल करने में अपनी दुकान में स्टॉल में। अच्छी खासी भीड़। और ये देखिए ये अंतिम जो कपड़ों की दुकान है उसके बगल में एक राजस्थानी फूड्स भी है, यहाँ पे भी देखिए सूट्स वगैरह। ये अंतिम दुकान है इस गली की, और इसके बगल में है राजस्थानी फूड्स। राजस्थानी फूड्स हमेशा इसी कोने में अपनी दुकान लगाते हैं, उन्हें पता है महिलाएं उधर से कपड़े खरीदते हुए आती हैं, थक थक जाएंगी तो फिर उनकी इच्छा करेगी, क्योंकि मैं प्रत्येक वर्ष देखता हूँ इनका स्टॉल यहीं पर रहता है, और मैं भी शौकीन हूँ राजस्थानी फूड्स का। ये क्या चीज़ है? मैं जब जाऊँगा। अच्छा, मूंग दाल, राजस्थानी फूड्स का ही इंजॉय करता हूँ। राजस्थानी फूड्स के बगल में ये हैंडमेड बैग्स है, 300 रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ प्राइस बैग्स का ऊपर, और भी सामान है खैर वहाँ। और मैंने जैसे कहा मैक्सिमम कपड़ों की दुकान है, और ये आम पापड़ वगैरह है, देखिए आम पापड़ का स्टॉल है ये, और ये यहाँ पे लालटेन इलेक्ट्रिक दिवाली के लिए इलेक्ट्रिक लालटेन है, आप सजा सकते हैं, सेल्फी लेते हुए युवतियाँ। एक बार पुनः ये देखिए वूलन कंबल रजाई का स्टॉल है, सर्दी शुरू हो चुकी है,
तो आपको यहाँ पर ये भी मिल जाएंगे। ये है चप्पल और जूतों का स्टॉल, विभिन्न प्रकार के चप्पल जूते हैं यहाँ पे भी, आप ये भी खरीदिए। हर चीज़ अभी नई नई है क्योंकि अभी कुछ ही दिन में है स्टॉल लगे हुए, अभी दिवाली तक चलेगा विरासत 2024। तो अगर आप देहरादून के आसपास हैं तो ले लिए, आइए खरीदें। ये देखिए मैट्रेस का स्टॉल है पूरा, है उस कोने से यहाँ तक लगे हुए हैं, लोग देख रहे हैं। और ये देखिए रेडीमेड गारमेंट्स, पैंट्स वगैरह है युवतियों की और युवकों की, टी शर्ट्स वगैरह भी हैं, भी वैरायटी काफ़ी अच्छी अच्छी है, मैंने देखा अच्छे अच्छे हैं, अभी छठे नहीं है, अभी नया नया स्टॉक है, तो इसलिए आप अगर आएंगे तो आपको अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे अभी। और ये देखिए कांसे पीतल की मूर्तियाँ, हाथी पीतल के, ये पूजा की मूर्तियाँ और बर्तन कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए दीपावली पर इनकी खरीदारी विशेष होती है, लोग खरीदते ही हैं। और ये हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल भी है यहाँ पे, देखिए फर्नीचर्स हैं, छोटे छोटे टेबल कुर्सी रखे हुए हैं यहाँ पे। सारा हैंडमेड मॉल है, माल है यहाँ पे, छोटी छोटी घर में किचन आदि में भी यूज होने वाली चीजें हैं यहाँ पे, सभी लकड़ी की हैं हैंडीक्राफ्ट्स। और देखिए फर्नीचर, फर्नीचर का स्टॉल भी है यहाँ पे। देखिए कंप्यूटर टेबल, मल्टीपर्पज टेबल है, कंप्यूटर भी सब कुछ यूज हो सकता है इसमें, तो इसका फर्नीचर है यहाँ पे। ये देखिए सब फर्नीचर ही है यहाँ पे, ये भी फर्नीचर है, स्टूल्स वगैरह देखो रखे हुए हैं। और फर्नीचर्स के बगल में ये बुक स्टॉल भी, एक तो बुक स्टॉल का बहुत फायदा होता है, अगर आपको कोई बुक ढूंढ रहे हो कहीं नहीं मिल रही है तो ऐसे फेयर में जरूर आए, इन फेयरों में आपको आपकी पसंदीदा बुक्स आसानी से मिल सकती है, उसका लाभ उठाएं। काफ़ी लोग हैं इस डिजिटल युग में भी, बुक्स का जो क्रेज है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये देखिए डबल बेड फर्नीचर के काउंटर पे रखा हुआ है स्टॉल में। और ये बेस का फर्नीचर प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, मुख्य रूप से असम से ही आता है ये, लेकिन अब तो सभी जगह बनने लगा है। हैंडीक्राफ्ट की एक और दुकान, छोटा मोटा सामान मलाई लेती हुई महिलाएं, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन है हर सामान के। देखिए कितने प्यारा प्यारा सामान है, अच्छा लगेगा आपको आप आएंगे। एक बार पुनः मैं पीतल वाले मूर्ति वाले स्टैंड में पीछे की साइड से आया, राधा कृष्ण की मूर्ति देखिए कांसे की कितनी अच्छी, गणेश भगवान देखिए ये झूले में बैठे हुए हैं, और ये नटराजन की मूर्ति सभी कांसे पीतल में है, बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए फ्लावर पॉट्स टाइप के हैं, ये चीनी मिट्टी के हैं, संगमरमर जैसे लग रहे हैं, बहुत सुसज्ज अच्छे लग रहे हैं, अच्छी कलाकारी से बने हुए हैं, छोटे छोटे भी हैं इसमें देखिए। मार्कल से बने, मार्कल से अच्छा, यहाँ किसी में नहीं है, सब मार्कल से बना हुआ है। और मारवाड़ी अचार राजस्थान का एक और स्टॉल, राजस्थानी भोजन के बाद मारवाड़ी अचार भी है। देखिए विभिन्न वैरायटियों के अचार यहाँ पे मिले हैं, रखे हुए हैं,
दुकानदार समझा रहे हैं सबको कौन कौन से चीज है यहाँ पे। तो आइए मरवाड़ी अचार का भी आनंद लीजिए। और ये देखिए 999 999 में सूट्स आप खरीद सकते हैं, यहाँ पर फिक्स प्राइस है। वैसे एक एक हज़ार के बहुत जगह सूट है यहाँ पे, और मेरे को ये बड़ा अच्छे लगे क्योंकि ये सब समर कलेक्शन है। विंटर तो ख़त्म हो गया, अब समर कलेक्शन है ये सारा। तो समर के लिए आपको हल्के वाइट कलर के बड़े अच्छे अच्छे सूट से मैंने देखे 999 में यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। लोग यहाँ पे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं इस स्टॉल में 999 वाले में भी। ये देखिए तरह के हैं, अभी भरा हुआ है स्टॉक, बहुत है इनके पास। मैंने अंदर का भी देखा, अंदर काफी स्टॉक पड़ा हुआ है अभी। घर आप फिर बोलूंगा, देहरादून के आसपास हैं तो जरूर आइए लेने एक बार। फिर देखिए मूर्तियों का जम घर, मैंने सोचा यहाँ पे क्यों है इतना, तो ये उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह की दुकान है, बिंदी वगैरह सभी का सामान। पास जाके जब देखा मैंने, लेकिन सब अच्छा है, चमकदार है, तो मनमोहक लगता ही है। तंदूरी चाय देहरादून की फेमस तंदूरी चाय देहरादून में बहुत स्टॉल है इसके, मैंने देखे हैं। और ये अमेरिकन भुट्टा देखिए बॉइल करके दे रहे हैं, उसमें नमक और कुछ लगा के। अमेरिकन भुट्टा है ये, क्योंकि इस वक्त इंडिया में तो सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो वहीं से आ रहे हैं। और ये तंदूरी चाय देखिए, हुंडे रखे हुए हैं और वहाँ पीछे तंदूर है, तो तंदूर में डाल के गर्म करते हैं इसको हुंडे में। उसके बाद गुजराती फूड्स और नेपाली फूड्स के स्टॉल भी यहाँ पे लगे हुए हैं। चलते हैं गुजराती फूड्स की तरफ। पहले ये देखिए, ये गुजराती फूड्स और अपने कल्चरल ड्रेसेस में कर्मचारी ऊपर लिखे हुए हैं क्या क्या फूड्स हैं यहाँ पे। और ये जेनिसा गोरखाली फूड्स, ये देखिए ये गोल गोल, मैं इसका नाम जानता हूँ, अभी शायद मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं इसे क्या रोटी कहा जाता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ भी। ये दिवाली के टाइम में बनाई जाती है, क्योंकि हमारे जो आसपास ट्रेंड्स हैं यहाँ से दिवाली में आता है ये स्वीट्स हमारे। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको मैक्सिमम जितने भी स्टॉल थे सभी में घुमाऊं, लेकिन नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत चाहिए उसके लिए। फिर भी आपको जैसा अच्छा लगा हो तो देखिए, मेरे पीछे जो एक वो आप कॉर्नर देख रहे हैं लग रखा है, ये भी मैंने यहीं विरासत से लिया हुआ है, पहले कभी लिया था, 2-3 साल पुराना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट बोल में, आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी को नमस्कार, बाय 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 बाय, थैंक यू।